नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का अपमान जैसे आम सी बात हो गई। अब देखिए ना, कोई भी फिल्म बनती है तो उसे हिट कराने के लिए धर्म का तड़का जरूर डाला जाता है, और वो भी हिंदू धर्म का। बात चाहे आमिर खान के पीके की हो या फिर सैफ अली खान के तांडव की, जिसके खिलाफ इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तांडव मचा हुआ है। ये तांडव इस कदर है कि भाई मोदी सरकार अब मोदी के ही मंत्री का इस्तीफा मांगने लगी है। दरअसल अली अब्बास जाफर की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, और जीसान अयूब और सैफ अली खान जैसे एक्टर से काम करवाने वाले अब्बास अली जफर ने अपनी वेब सीरीज में एक सीन ऐसा रखा है जिसमें भगवान राम और भोलेनाथ पर टिप्पणी की गई, जिससे लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। और इस गुस्से के शिकार हो रही है मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने वाले प्रकाश जावड़ेकर। शनिवार से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि भाई प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो, और ये मांग कोई और नहीं बल्कि तमाम बीजेपी समर्थक ही करने लगे हैं। राष्ट्रवादी सुमित मिश्रा ने तांडव और पीके की तस्वीरें बकायदा शेयर करते हुए हैशटैग प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो के साथ लिखा है कि अगर यही सब देखना है तो बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है। खुद को मोदी योगी समर्थक बताने वाले ट्विटर यूजर अंकिता सिंह ने तो गोबर से बने उपले को भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से ज्यादा उपयोगी बता दिया है। तो वहीं मोदी योगी समर्थक विवेक ने भी बकायदा ट्वीट किया है, और वो ये कहते हैं कि ये कहने में दुख हो रहा है कि भाई प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के सबसे खराब मंत्री हैं, जबकि पीयूष गोयल सबसे अच्छे मंत्री हैं। बीजेपी समर्थक दिलीप सिंह ने लिखा, बॉलीवुड हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है और सरकार चुप क्यों है, प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दो। तो तांडव के खिलाफ लोगों के अंदर किस कदर गुस्सा भड़का हुआ है कि लोग ये तक पूछने लगे हैं कि भाई आखिर सरकार ऐसे वेब सीरीज को दिखाने की इजाजत कैसे दे सकती है। नमस्कार प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे एक बहुत ही स्ट्रांग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तांडव वेब सीरीज को आज इसी क्षण डिलीट कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ऐसी वाहियात और घटिया सीरीज हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बुरे तरीके से हर्ट कर रही है। मैं आज इस कदर प्रवोक हूँ, इसका सिर्फ एक पहला एपिसोड देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि ये जो वेब सीरीज है वो एंटी हिंदू, एंटी दलित और एंटी पुलिस फोर्स है। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि मुसलमान बेचारा बहुत ही मासूम है, उसको टारगेट करती है पुलिस, बिना किसी कारण से उसको घर से उठा लेती है, बिना किसी कारण से उसको पीट देती है और बिना किसी कारण से उसको टेररिस्ट घोषित कर देती है। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? आप हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं उसमें शरेआम? आप मेरे दलित भाई बहनों के साथ जो आज की डेट में इतनी उच्च उपाधियों पर नियुक्त है उनको आप पीछे खींचना चाह रहे हैं, उनको आप नीचा दिखाना चाहते हैं ये बता के कि उनके बाप दादा जो है चमड़े के जूते बनाने का काम करते थे और बेचते थे और उनकी हिम्मत नहीं है हमारे आगे बोलने की? आप क्या करना चाहते हैं? आप दिखा क्या रहे हैं? सेंसरशिप बोर्ड जो है हमेशा से उसको एक पावर मिला हुआ है कि अब उसको कंटेंट को एग्जीक्यूट करना है, एग्जामिन करना है और फिर पब्लिक डोमेन में उसको रिलीज करना है। तो ऐसी घटिया, ऐसी सच काइंड ऑफ प्रोफेनिटी, सच काइंड ऑफ आउटरेजियस एक्ट, हाउ इट वाज बीइंग पास्ड एंड अलाउड बाय द सेंसरशिप बोर्ड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कॉन्टेंट को आपने इजाजत कैसे दे दी पब्लिक डोमेन में, पास कैसे कर दिया आपने? अब और हमेशा से आज 10-15 साल हो गए हमें ये बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं। पीके में हमारे भगवान का, देवी देवताओं का मजाक आपने उड़ाया, आज की डेट में मैं ऐसी वेब सीरीज बनाऊं कि सिंस ऑफ मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद के कुकर्म, प्रॉफेट मोहम्मद के पाप, जहां पे मैं दिखाऊं कि उसको प्रेशर बना हुआ है। पहले तो मैं उसे स्टेज पे दिखाऊं प्रॉफेट मोहम्मद को, उसको प्रेशर बना हुआ है और वो बाथरूम में भाग रहा है, क्या इस चीज को आप बर्दाश्त करेंगे? जैसी बदतमीजी हमें पीके में बर्दाश्त करने में मजबूर किया गया था क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए और हमें बताया जाए कि नहीं तुम इसे बर्दाश्त करो क्योंकि तुम हिंदू हो, और मुसलमानों की हल्की सी एम भी बात की जाएगी तो उसके अगेंस्ट आप उड़ जाएंगे? क्यों हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा जो डिफॉल्टर गूंज, हुलिगन्स टाइप के डिफॉल्टर केसेस है वो हमेशा तिलकधारी और हिंदू दिखाए जाते हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसको आज इसी क्षण बैन कर दिया जाए इस सीरीज को। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए, हमारे दलित भाई बहनों को नीचा दिखाया जाए, और हमारी पुलिस फोर्स बहुत सक्षम है, हर चीज अच्छे से करती है, आप हमेशा उनके बारे में एक नेगेटिव छवि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स तांडव में हुए हिंदू देवी देवताओं के अपमान से इस कदर नाराज हैं कि इस पर कार्रवाई ना करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ जमकर अब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और उनसे इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। तांडव पर क्यों मचा है विवाद? दरअसल अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव के पहले एपिसोड में ये दिखाया गया है कि भाई एक्टर जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं।
जिशान अयूब यूनिवर्सिटी के छात्रों से ये कहते हैं कि भाई आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। इस बीच नारद के वेश में मंच संचालक कहता है, नारायण नारायण प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई रणनीति बना ही लेनी चाहिए। तो इस पर जिशान अयूब कहते हैं, क्या करूं, मैं तस्वीर बदल दूं क्या? इसके बाद मंच संचालक कहता है, भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं। तो तांडव के इस सीन को लेकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अब आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। तो वहीं स्वामी चक्रपाणि महाराज ने तो अपने बयान में कहा है, वेब सीरीज तांडव के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बॉलीवुड जिहाद है। आखिर केंद्र में मोदी सरकार के बहुमत होने के बाद भी हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ फिल्में और वेब सीरीज क्यों बनाई जा रही है? ये मांग नहीं की जा रही कि भाई हिंदू सनातन धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संसद से राष्ट्रीय स्तर पर ईश निंदा कानून पास होना चाहिए। तो जिस तरह से आज सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का विरोध हो रहा है, कुछ इसी तरह आमिर खान की फिल्म पीके का भी विरोध हुआ था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा रही हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। बॉलीवुड में बढ़ते इस ट्रेंड पर आपकी क्या राय है और क्या वाकई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री यानी कि प्रकाश जावड़ेकर को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।